वालेकुम आज की इस वीडियो में मटन चाप बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है बनते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो आप बहुत आसानी के साथ इसे घर पर बना सकते हैं तो आइए चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और साथ ही रेसिपी को स्टार्ट करने के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो चलिए मैं आ, आपको बता देती हूँ मैंने इसके लिए हाफ के जी आ, के करीब जो है मटन चाम्प ली है और उनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का जो प्याज़ है वो ऐड किया है वन आ, दो टेबल स्पून के करीब जो है हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है आप तो यहाँ पे थोड़ा नमक ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें बाद में भी यूज़ करना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वन टीस्पून के करीब गरम मसाला और पानी हम डाल के इसको दस मिनट के लिए दस से बारह मिनट के लिए या जितना टाइम आपको लगे आप इस पर सीटी पे रख के इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिएगा और अपनी आ, मीट जो है ताकि वो हमारा टेंडर हो जाए लेकिन मीट को है ना ओवर कुक नहीं करना तो आप ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा और जो इसमें पानी होगा वो हम ड्राई कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम साथ इसका आ, इसको मैरिनेट करने के लिए फ्राई करने के लिए जो है मिक्सर बना लेंगे तो उसके लिए मैंने लिया है दो से तीन चम्मच के करीब दही लिया है और उसमें दो खाने के चम्मच मैंने ऐड किए हैं कॉर्नफ्लोर या चावल काटा अगर आपके पास हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर लीजिए और चार से पाँच टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे आ, भुना हुआ बेसन जो है भुना हुआ लीजिएगा ताकि उसमें से कच्चेपन की स्मेल ना आए और फिर कुछ हम स्पाइसेस लेंगे इसके लिए मैंने लिया है लाल मिर्च वन टीस्पून स्पून नमक वन टीस्पून स्पून गरम मसाला वन टीस्पून स्पून और काली मिर्च पाउडर जो है वो भी हम वन टीस्पून स्पून लेंगे कुटी मिर्च हम वन टीस्पून स्पून लेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही कम कर सकते हैं और इसमें हम जर्दे का रंग ऐड कर रहे हैं अगर आप वो भी स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और दो से तीन टेबल स्पून के करीब या दो से तीन जो है लेमन जूस जो है वो हम ऐड करेंगे इससे टेस्ट जो है वो मज़ीद मज़े का लगेगा और साथ में मैंने इसमें वन टी स्पून के करीब गरम मसाला और धनिया पाउडर जो है वो ऐड किया है और चाट मसाला भी हमने ऐड किया है और अब तो हम इन स्पाइसिस को थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे रेसिपी को आप बिल्कुल फ़ॉलो कीजिएगा बहुत मज़े के आपके बनेंगे बहुत क्रिस्पी और क्रंची आ, बनते हैं बहुत आप इनको बना के देखिएगा आपको रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो और मिक्सर जो है हम उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख देंगे और उसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए तो लीजिए हमारा जो मीट है वो बिल्कुल गल चुका है बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं इसको किया क्योंकि अभी इसने फ्राई भी होना है और अगर हम बहुत ज़्यादा गला देंगे तो ये जो मीट है ना वो बोन्स से अलग हो जाएगा तो हमें ऐसा नहीं करना तो उसके बाद जो है हम जो मीट है उसको इस बेसन वाले और मिक्सचर जो है उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आप हाथों से कीजिएगा तो अच्छे तरीके से ज़्यादा मिक्स होगा और उसके लिए अब करना ये है कि आप मीट को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा वरना आपके हाथ जल जाएंगे तो ये देखिए अच्छे तरीके से हम कोट कर देंगे और बहुत टेस्टी बनेंगी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा देखिए येलो कलर की वजह से ना कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए और उसके बाद जो है आ, हम गरम तेल के अंदर ये जो मीट है उसको मटन की चांपे हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे और क्योंकि हमारा मीट जो है वह पहले ही टेंडर हो चुका है इसलिए हमें इसको मजीद गलाना नहीं है बस हमें इसको कलर देना है और जैसे ही गोल्डन कलर में आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और बस हमें यही वेट करना है देखिए सारा जो सारी चांपे मैंने ऐड कर दी हैं और एक दफ़ा हम इन्हें पलट लेंगे और हीट जो है हम मीडियम से हाई रखेंगे और साथ साथ इनको साइड इनकी चेंज करते रह जाएंगे ताकि जल ना जाए और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आने लग गया है अब हम इनको निकाल लेंगे इनका एक्सेस ऑयल जो है वो हम जो है उसको रिमूव कर लेंगे और ये देखिए हम सारी जो है इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे ऑयल से बहुत क्रिस्पी ये बनी है और कलर भी देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा सा आ गया है ये देखिए मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है तो आई होप ये आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेंगी तो अब हम इसे प्लेट में सेट करेंगे और आप अपने गेस्ट को सर्व कीजिए आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा बहुत मज़े की लगेंगी तो आई होप आप लोगों को वीडियो और रेसिपी अच्छी लगेगी तो आपने करना ये है कि बस आपने इसे ट्राई करना है और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको फ़ौर मिल जाए तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगी फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़